शिक्षा एवं स्वास्थ्य का शिक्षा सत्यानाश नर्मदा मैया का सत्यानाश गौ मंच का सत्यानाश ये तस्वीर पूरे प्रदेश की सबके सामने। आज हर वर्ग परेशान है, हमारा किसान भटक रहा है न्याय के लिए, खाद के लिए, हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, आज हमारे छोटे बड़े व्यापारी परेशान है, आर्थिक गतिविधि चौपट हो, ये आज प्रदेश की तस्वीर है। और शिवराज सिंह जी, मैं तो ताजुब करता हूँ कि हिम्मत पड़ी कि वे विकास यात्रा निकाले। 160 क्षेत्रों में इस विकास यात्रा का विरोध हुआ, ये शासकीय यात्रा थी, शासकीय पद का उपयोग किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बची है। ये नगर निकाय चुनाव में, जनपद पंचायती चुनाव में इस प्रकार पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया गया। इनके साथ अगर जनमत होता है तो इसका आवश्यकता नहीं। ये स्थिति आज पूरे प्रदेश में है, 6 महीने में चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह मध्य प्रदेश को सुरक्षित करें। शिवराज जी की कलाकारी को आज सब पहचान रहे हैं, आज का मतदाता को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आज का मतदाता आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। मुझे खुशी हुई यहाँ आकर, और ये नर्मदापुरम ऐसा जिला है जहाँ हमने 53,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हमारे कार्यकाल में जो हुआ, मुझे किसी को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता हमारे कार्यकाल की गवाह है। बताइए सर, पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, खास तौर से ग्रामीण अंचल में जो पत्रकार जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कि आप सरकार में आएंगे कोई कार्य योजना? बिल्कुल, पत्रकारों के लिए, हम उनके संरक्षण के लिए हम अपने वचन पत्र में जरूर लाएंगे। सर नाम आज दबाना और छिपाना राजनीति का जानिया, ये जो पत्रकारों पर हमला हो रहा है, इसलिए हो रहा है, ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सच्चाई जो है, जैसे भी सच्चाई हो, आप जनता के सामने लाइए। सर नर्मदापुरम में हम देख रहे हैं विगत 15 वर्षों से कांग्रेस सत्ता नहीं ला पाई है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? अब देखिए, उसका हमने अध्ययन किया है, अब जो गलतियाँ हुई हैं उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की आज बहुत अंतर है राजनीति में, 5 साल पहले, 10 साल पहले की राजनीति में बहुत अंतर है, राजनीति बहुत स्थानीय होगी। और हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। सर छिंदवाड़ा देश में विकास का मॉडल माना जाता है, बावजूद इसके होशंगाबाद में कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है, इसे जिला कांग्रेस की कमी समझा जाए संगठन की, या फिर भाजपा की सफलता मानी जाए? देखिए, ये सब में जाने की आवश्यकता है। आज प्रश्न भविष्य है, हमें भविष्य की क्या रणनीति बनानी है और पिछले चुनावों में से हम क्या सबक सीखे, ये हमें देखना है। आज बहुत, मैंने कहा, राजनीति में परिवर्तन, राजनीति बहुत स्थानीय है, एक बहुत बड़ी मांग है कि स्थानीय व्यक्ति को दे दी, ये पहले नहीं होती थी, जाति समन्वय हो, इसकी बहुत बड़ी मांग है कि सब जातियों के साथ न्याय हो। हम इस सब को देखकर क्षेत्रीय संगठन से सलाह कर कर हम तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। अभी के तो आपने चुनाव बाद बकाया रह गए थे, 15 महीने की गवर्नमेंट कौन चली, बाकी 45 महीने के बाद बकाया रह गए, जैसे कि अभी विद्वानों की नियमित का मुद्दा था कि सरकार, कांग्रेस ने बोला था कि हम नियमित करेंगे, उसके तो उनको क्या आगे पूरा करेंगे? बिल्कुल, मैंने इसकी घोषणा करी, अतिथि विद्वान की बात हुई, हमारे संविदा की बात हुई, आज सोचने की बात है, कितने लाखों करोड़ रुपया कर्जा लिया, या ये इतने लाख करोड़ का जो ब्याज है, उस ब्याज को भरने के लिए इनको और कर्जा लेना, और अगर ये कर्जा का उपयोग होता हमारे अतिथि विद्वानों को नियमित करने में, हमारे जो बाकी संविदा हैं, हमारे आउटसोर्स वाले हैं, तब तो हम समझते इसका उपयोग क्या हुआ, इन्होंने ये पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, इस पैसे का जो कर्जा लिया इन्होंने
किस चीज़ में लगाया, बड़े बड़े ठेके देने। आप देखिए पिछले 1.5 साल में कितने बड़े ठेके दिए हैं, और उसका एडवांस ले लो, एडवांस से आपकी कमीशन निकाल लो। योजना हमारा तो पहले का फायदा है, हमें मुझे दोहराने की बार तो मतलब लोगों का माफ नहीं हो पाया, क्योंकि ये पहला केस था। इसमें हमने, मैं कह रहा हूँ, हमने नर्मदापुरम में यहाँ 53,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये तो सब किसान गवाह हैं, तो जो नाम पता है, गांव पता है, बैंक पता है, और जो बचे थे वो चालू था, पर हमारी सरकार ने। सर, शिवराज सिंह जी ने अभी जाके छिंदवाड़ा में कहा कि अब कमलनाथ जी की राजनीति का अंत, गाड़ दूंगा मैं, अंत हो जाएगा। शिवराज जी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, मैं नहीं करता। सर, मैं गाड़ूंगा, सर गाड़ी को गाड़ूंगा, सर दूधी नदी को गाड़ूंगा। सर, एक और प्रश्न पूछ